So what's up everyone, welcome back to our N Moto Vlog. This is day 2 and hum ja rahe hain towards the Leh. Yes friends, we are going towards the Leh today. Abhi hamara aage ka plan jo hai wo ye hai ki we are going, first of all we'll eat something. Late raj ke ho chuke hain hum log because it's time 10:38 and hum soch rahe the jane ka Sarchu. Ab Sarchu ja rahe hain hum yahan se. तो सबसे पहले हम टांडी जाएंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाइक पे देता हूँ. जितना भी जो भी क्या कितने किलोमीटर्स है क्या होगा, तब तक आप व्यूज़ का नेचर का भी मज़ा ले लोगे. मोर ओवर आप इसके साथ साथ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इफ़ यू आर कमिंग टू ले, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. और इसके बाद हम लोड करने वाले हैं अपनी बाइक्स पे सामान. सो आपको कुछ वो भी दिखा दूँगा छोटा सा क्लिप कि कैसे हम लोड किया हमने बाइक पर अपना सारा सामान विद द बंजी कॉर्ड्स. Anything can be happening in the trip. So friends, style नहीं मार रहे हैं हमने. मैं मार के रहूँगा style से ही अभी की तरह. ऐसे बात करें. ओए style खड़ा होता है. गिरने नहीं देनी. Style मार के बात करनी है. गिरने नहीं देनी. इधर को push करके रख कर. अच्छा. हाँ. So ये style है. सो फ्रेंड्स, अभी का प्लान ये है कि अपने अभी हमारी लोडिंग देख ली बाइक्स के ऊपर. तो अभी मेरा प्लान बन रहा है, आई एम थिंकिंग टू गो इन द कैफ़े, बॉलीवुड कैफ़े. तो आपको वो दिखाऊंगा कि बॉलीवुड कैफ़े कैसा दिखता है अंदर से. बहुत ही प्यारा. लास्ट टाइम ऐसा आई कुड एबल टू शो यू. एक मिनट. पैकिंग हो चुकी है सारी, हमारी स्टफ हमारा बाइक्स के ऊपर लग चुका है. और ये पीछे होटल है हमारा, दैट इज़ ओशन मनाली. So if you want to come, you can. I'll drop the link in the description box. You can come over here. और अब हम बच चुके हैं ऑलमोस्ट 1:38. तो हम यहाँ से जाएंगे, लेट हो जाएंगे. आई नो रात में टेंट गाड़ने पड़ने हैं, हमें मुश्किल होने वाली है. बट दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ कॉल्ड एडवेंचर. सो अब डायरेक्टली हम यहाँ बाइक से निकलते हैं और आपको मिलने वाला हूँ मैं डायरेक्ट बॉलीवुड कैफे. सो फ्रेंड्स, फाइनली हम बाहर आ चुके हैं अपने रूम से और हम जा रहे हैं Sarchu. टाइम देखा जाए तो यही कुछ 1:04 हो रहे हैं और हम लंच ब्रेकफास्ट करने आ रहे हैं. देखो ब्रेकफास्ट कितने बजे, 1 बजे. तो बॉलीवुड कैफ़े तो भाई बंद हो गया. और ये अभी सर मैं लास्ट टाइम भी जहां आया था, टेस्ट ऑफ इंडिया, तो आप पीछे देख सकते हैं. सो लेट्स गो इनसाइड टू द टेस्ट ऑफ इंडिया. I'll show you the overview. This is the taste of India and we are getting inside. So bhai maine Sahil ko kaha ki bhai order karo apna yahan. So let's move inside and give you the overview how it look inside. So entrance. इस कैफे की मेरे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है ना, वो आल शो. देयर इज अ लॉट ऑफ करेक्टर्स. जो इनका रूफ बनाया है वो सारा इन्होंने बॉलीवुड मूवीज 90s की पुरानी जितनी भी मूवीज हैं उन सब का. ये बाहुबली दंगल. रहमान करने वाले हैं मंगल. सो भाई मैंने जो ऑर्डर किया मुझे कभी नहीं मिलता, लास्ट टाइम भी नहीं मिला था. सो कैन सी देयर इज अ वुडन फायर पिज़्ज़ा. इफ यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा देन ब्रेकफास्ट के लिए तो प्लीज़ बी कम बिफोर 12. ऑब्वियसली बिफोर 12 ही होता है, बट हम महान. तो भाई ये हमारे भाई साहब हैं, साहिल भाई साहब. ये इन्होंने कहा हम हटा सावन की घटा, बारिश आने वाली है.
यस मैन, बारिश आने वाली है, सीरियसली टू मच फन विद द स्केरीनेस। सो ये हमने कुछ फूड ऑर्डर किया है अपना, और अभी हमने और क्या मंगाया था, पास्ता। ये पास्ता भी आएगा, हम आपको पास्ता की भी शक्ल दिखाएंगे। अभी आपको हमने दिखाया यहाँ पे वुडन फायर फ्रीजर, जो कि बहुत ही कम जगह पे बनता है। दैट वॉज अ वुडन फायर फ्रीजर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है टूवर्ड्स द ले, और आज का स्टॉप होने वाला है हमारा टू सरचू, और हमें ऑलमोस्ट हो चुके हैं, यहाँ पे 2 बज चुके हैं। अब वाई दिस इज सो कि हमें यहाँ पे मनाली में ही 2 क्यों बजे हैं। एक्चुअली हमारा एक तीसरा दोस्त था ब्रजेश, उसके मदर इन लॉ एक्सपायर हो गए हैं, जिसकी वजह से उसको वापस जाना पड़ा टू हिज होम। सो वो जा चुके हैं मनाली से टूवर्ड्स द चंडीगढ़, और हम जा रहे हैं सरचू ले। एंड हमारा ट्रिप जो है वो 15 डेज के अराउंड हमने सोचा है, 14 to 15 डेज। एंड यू कैन सी द ब्यूटिफुल माउंटेंस ओवर हियर, बिग ब्यूटिफुल माउंटेंस। आई कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ फॉगी, आई कैन सी फॉगी ओवर देयर। सो लेट्स सी कैसा माहौल मिलता है हमें आप वहाँ पर जाके, और आप जब तक आप इन वादियों का टाइम लैप्स का थोड़ा एंजॉय कीजिए। सो स्टे ट्यून, अभी आपको जहाँ हम रुकते हैं वो आपको दिखाऊंगा। अभी तक थे हम, आपको रिकैप करना, मैं मनाली में था, होटल ओशन मनाली होटल हमने बुक किया था, जो कि 1500 टैरिफ में हमें मिला है फॉर 1 नाइट विद द मैट्रेस। एंड हम निकले हैं 2 o'clock फ्रॉम द मनाली टूवर्ड्स सरचू, एंड मौसम थोड़ा सा बहुत प्लीजेंट सा हुआ है, मज़ा आ रहा है मौसम देख के। दिल करता है जहाँ पे रहे कि कैमरा खोलो, फोटो स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स, बट अगर हम ऐसे करने लगे तो भाई 2 तो पहले ही बज चुके हैं। सरचू तो पहुँचते हम फिर नहीं बिल्कुल भी। चलो एनी हाउ स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन फ्यू मिनट्स। ओके फ्रेंड, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे। भाई आज हम मतलब कि चाह कर भी मनाली से निकल नहीं पा रहे हैं। टाइम देखा जाए तो 4 बज चुके हैं इस टाइम, और हमने जस्ट अभी अटल टनल ही क्रॉस करी है। ऐसा क्यों है साहिल भाई, ऐसा क्यों हो रहा है आज, हम क्या कर रहे हैं ऐसा जो हम मनाली ही नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। हम कुछ ज़्यादा ही मज़े में मज़े ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली बीच में हो चुकी थी बारिश, तो हमने रिस्क ना लेते हुए अपने कपड़े पहने हैं, रेन कवर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जस्ट अभी अटल टनल क्रॉस हुई है, एंड अब हम बिना रुके, चाहे बारिश आए चाहे जो मर्जी आए, अब तो भाई सीधा पहले टांडी स्टॉप लगेगा, फ्यूलिंग करवाएंगे और सीधा मिलूँगा सरचू में। चलो बारिश होनी तो बंद हो चुकी है फाइनली, और ये हमारा बैग ओके, जिसकी दूसरी तनी आ चुकी है हाथ में। बाकी बातें लेट्स टॉक ऑन बाइक। ओके सो हम निकल चुके हैं टूवर्ड्स सरचू, और ये है वेलकम चंद्रा ब्रिज। सो भाई अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चंद्रा ब्रिज, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ले। पिछले साल थे हम स्पीति काजा रिजॉर्ट, आज हम हैं टूवर्ड्स द ले। ले ले इधर ले इधर ले। सो ले करके आ रहे हैं ये कुछ बंदे, और भाई बारिश का मौसम बन रहा है, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। मौसम तो बहुत ही ज़्यादा मस्त हो चुका है, और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द टांडी फर्स्ट, बिकॉज टांडी के अंदर हमें फ्यूलिंग मिलेगी, फ्यूलिंग करवानी है, बहुत ज़रूरी है भाई। आगे 365 किलोमीटर फिर आगे नहीं मिलने वाला कुछ भी फ्यूल के लिए खासकर। और हमें रोड्स कुछ इस टाइप के मिलने वाली हैं। ये क्या है, हमने अभी थोड़ी बारिश होकर हटी थी, ठंड लग रही थी काफ़ी, और ये हमें रोक लिया गया है। हाँ हाँ आराम से जा रहे हैं, कोई बात नहीं।
अच्छा पर्ची कटेगी, ओके लचक मार के था नहीं वो पता क्यों हुआ था, वो एक्चुअली पीछे वो दिख नहीं रहा था रेलिंग से, वो जब उसने एकदम से उधर किया ना फिर रेलिंग दिखी मेरे को, वो दिखता नहीं है भैया। सो ये चेक पोस्ट से हम फ्री हो चुके हैं। चेक पोस्ट में बेसिकली यहाँ पे एंट्री होती है, टू व्हीलर्स की 50 रुपीज़ एंट्री चार्जेस हैं और फोर व्हीलर के आपको पे करने पड़ते हैं 100 रुपीज़। जैसे ही आप अटल टनल से निकलेंगे और when you go towards the Leh और जाते ही आपको स्टार्टिंग में ही एक चेक पोस्ट मिल जाएगा where you have to pay 50 रुपीज़ फॉर द टू व्हीलर और एंड 100 रुपीज़ फॉर फोर व्हीलर। सो फ्रेंड्स बीच में होने लग गई थी बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश एंड जिसकी वजह से हमें टांडी के पास रुकना पड़ा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी। सो मी एंड साहिल डिसाइडेड नॉट टू राइड इन द रेन। सो लकीली बारिश रुक चुकी है एंड वी आर टूवर्ड्स जिस्पा। अब हम ये सोच रहे हैं अभी अगर देखा जाए तो टाइम 6:30 हो चुके हैं एंड जिस्पा अभी भी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। सो वी आर थिंकिंग टू कैंप इन द जिस्पा, बाकी विल लेट सी इफ़ द रोड कंडीशन इज़ टोटली फाइन देन वी कैन मेक इट टू सरचू बिकॉज उससे आगे 60 किलोमीटर रह जाएगा। आई नो इट इज़ वेरी लाइक वेरी बिग। ये देखिए यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है, फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे, शर्म नहीं आती आपको? वो कह रहा मेरे को खींच। अरे बच्चे हो क्या? सो हम भी कभी कभी नौटंकी कर लिया करते हैं बीच में और इसी रीज़न से ये जो आप व्यू देख रहे हो सिर्फ इस और इस रीज़न की वजह से हम लेट हो रहे हैं बिकॉज गाइस हर एक मोमेंट पे आपको एक अलग ही व्यू दिख रहा है यार। Seriously man, it's maths blowing, mind blowing, math blowing. What's up everyone, welcome back to your RN Moto Vlog. So as I told you that हम भाई जिस्पा रुक रहे हैं, जिस्पा ही रुक गए हैं बिकॉज अंधेरा। आपको अगर कैमरा दिखा मोड़ के दिखाया जाए तो आपको साहिल भाई दिखेंगे लेकिन साहिल भाई के पीछे की कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इतना अंधेरा हो चुका है, आपको कुछ भी नहीं विजिबिलिटी होगी। सो हमने समझदारी बरतते हुए हम जिस्पा के अंदर ही स्टे कर रहे हैं और अब हम क्या करने लगे हैं, हमने कैंपिंग करी है। सो अभी मैं आपको थोड़ा सा कैंप दिखा दूंगा बट अगर आपको प्रॉपरली कैंप के अंदर देखना है कि कैसा सेटअप है विद हाई क्वालिटी वीडियो क्वालिटी अगर आपको देखनी है तो Day 3 के व्लॉग में आ जाएगा, उसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा। अभी जैसे आपने टेंट लगाते की वीडियो देखी थी तो टेंट उतारते की भी वीडियो भी बना लेंगे हम, वो भी दिखा देंगे प्लस अंदर से टेंट भी दिखा दूंगा। अपनी मैगी बन के तैयार हो चुकी है, अभी ज़्यादा वेजिटेबल्स वेजीज वगैरह तो नहीं है इसमें मिलेंगी, बिल्कुल तो सिंपल सी मैगी है। सो ये मैगी है, ये हमने इस स्टोव पे बनाई है और अभी दूसरे लॉट की तैयारी हो रही है। और ये तैयारी कर रहे हैं हमारे जॉली जी। सो जॉली जी हमारे कोक के आज के जॉली जी डाल दीजिए पानी फिर से, हम भी मजा लेते हैं मैगी का। यही है हमें जो 10 रुपए की पड़ी है, ये 150 रुपए की पड़ती यहाँ पर साइड पे। तो अब खाइए मजे कीजिए।